कट्टन ने जो हमारे जीरी का ठोकर मारी है ना किसान के, काम ठोकर मारेंगे पूरा साथ देंगे। हरियाणा पंजाब एक हो गए, पूरा साथ देंगे और अपना हक लेके देंगे, पूरा हक लेंगे। छह भी नहीं लागी हो पर हमें हक लिए बोले उठे कोई नहीं। देवी लाल था एक नंबर आदमी, उन्हें ईब घटियापन कर दिया दुष्यंत ने। हरियाणा सरकार कहती है कि इस किसानी मोर्चे दे विच हरियाणे दे सिर्फ 2% लोग बैठे ने, पर शायद कुंडली बॉर्डर से हरियाणा सरकार नूं हरियाणे दे ही बुजुर्गों वालों लाई यह सत नज़र नहीं आती। तुहानूं असीं अज लैके पहुँचे हाँ क्योंकि हुक्का एक संस्कृति रहा है हरियाणे की, सत्थां दा शिंगार भी रहा है। बुजुर्ग बैठे ने, गलबात करांगे। बुजुर्गों पंजाबी समझ लैंदे हो? ऐसा है एक कट्टन ने जो हमारे जीरी का ठोकर मारी है ना किसान के, काम ठोकर मारेंगे। 4000 रेट था जीरी का, 1600 रुपये ले रहा खार, कितना 2000 रुपये का कट्टा। खट्टर साहब कहते हैं भी जो ये किसानों का ये मोर्चा लगा है ना, इसमें हरियाणा के सिर्फ 2% लोग हैं, बाकी सारे पंजाब के। हरियाणा लिया उठ के उस कट्टर के, उन्हें बताओ जगह ईव लाख जगह, उन्हें पता दो दिन में तब न एक भी ना होती हमारे देख ले जो कट्टर ने। अच्छा, जब पंजाब से जो किसान हैं वो आ रहे थे यहाँ पे, तो रास्ते में उनके रास्ते भी रोके गए, सड़कों पर 10-10 फीट गहरे जो खड्डे थे वो भी खोदे गए। आपने सरकारों को खड्डे भरते देखा होगा, आपकी बहुत उम्र है, कभी खड्डे खोदते हुए सरकार को देखा है? नहीं देखा। इनने तो भ्रष्टाचार करना है अपनी कुर्सी से, ये कोई मरो नहीं की ओर से, और ना अपना पेट भरने लग रहे हैं, अपना बेरा नहीं दे रहे, पब्लिक का बेरा दे रहे हैं। अच्छा, एक और बात है भी, हरियाणा सरकार ने जो कुछ किसानों के साथ किया पंजाब के जब आ रहे थे, उसके बाद हरियाणा के जो लोग थे, जो किसान हैं जैसे आप लोग हो, उन्होंने पंजाब के लोगों पर फूलों की बरसात भी की, बहुत प्यार दिया। मतलब आपको लगता है कि हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, मोदी सरकार, उसकी वजह से आज बड़ा भाई छोटा भाई एक हो गया? देखो, पंजाब हरियाणा एक हो गया भाई भाई, पूरा साथ देंगे। हरियाणा पंजाब एक हो गए, पूरा साथ देंगे और अपना हक लेके देंगे, लेके मानेंगे। चार हमने 15-20 दिन लग गए, पूरा हक लेंगे। छह भी नहीं लागी हो पर हमें हक लिए बोले उठे कोई नहीं। इन्हें तो बड़ा जुल्म करा इस सरकार ने, पत्थर अड़ाए, पानी के तुर्रे मारे, पूरा हाल करा। फिर हरियाणा ने साथ दिया, वो वोटर तड़वाए, गेल हो गए आज आड़ बैठे हैं जी, साथ हो गए, भाई भाइया प्यार हो गया, इब सारा हक लेकर मानेंगे जी, बिल्कुल हक लेंगे। खट्टर सरकार के साथ यहाँ पे गठबंधन में JJP है, जननायक जनता पार्टी भी जो है वो दुष्यंत चौटाला वाली, वो भी साथ में है। लेकिन आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला के जो परदादा थे वो किसानों के लीडर माने जाते थे, और दुष्यंत चौटाला ने जो किया है वो ठीक है? देवी लाल था एक नंबर आदमी, उन्हें ईब घटियापन कर दिया दुष्यंत ने, अपना बाप भी छोड़ दिया, दादा भी कभी ठोकर, ताऊ काका तो कभी ठोकर, ईब उन मार गए सारे हरियाणा के, मार गए ठोकर, BJP में बढ़ गया और ईब सरकार तो तोड़ गया। अब तो कुछ है फायदा जो ना उन्हें सरकार तोड़ी, अब तो वो नहीं क्या है करत का भी, वो कुत्ता गु है, वो नहीं क्या है करत करना। अच्छा सर, दुष्यंत चौटाला को देखते थे भी युवा एक लीडर सामने आ रहा है, पर जो अब उनकी कारगुजारी रही है, आपको लगता है कि उनका जो सियासी भविष्य है वो ठीक रहेगा या खतरे में आ गया? बिल्कुल खतरे में है, 3 गाने पल्ले नहीं है, एकदम से खत्म है। इस किसान आंदोलन से 3-4 महीने से देख रहे हैं, जब से सरकार कृषि अध्यादेश लाई है तभी से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो चुका है। अब किसान
प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, वो विदेश में लौट रहा है, है कहीं दिख रहा है, लुके बाज गया। कल उचाणा में उसके खिलाफ उका पानी बंद कर दिया उसका, वीरेंद्र सिंह का, उसका खत्म हो चुका है वो। उका भाई छोड़ रहा क्या, कहीं कहीं बाइट दे देता है, नहीं कुछ नहीं, पैसे के पीछे लग रहे हैं, रोज के 50 से 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, सारा हरियाणा लूट के घेर दिया। देवीलाल का भी कलंक के नाम उन्हें बदनाम कर दिया, अपने परदादे का नाम भी बदनाम कर दिता दुष्यंत चौटाला ने। बुजुर्ग होर भी ने गलबात करांगे, बुजुर्गों जैसे उन्होंने कहा भी वहाँ हुक्का पानी बंद कर दिया है, हुक्का संस्कृति रही है हरियाणा की, अब आपको जैसे दिल्ली के रास्ते बंद किए हैं, आपको लगता है कि दिल्ली का हुक्का पानी भी बंद करना चाहिए? उनका कर उनसे गलत काम कर गलत काम करेगा उसका हुक्का पानी बंद होता है, इन्हें गलत कर पानी बंद कर दिया उसका, और क्या है माननी हुई चीज हरियाणा में उस वर्ग का मानस नहीं आना इस परिवार में, तो जिंदगी उसने बनाई बुढ़िया की हरियाणा की, किसानों की सारी डाल की बढ़िया, किसानों की सारी डाल की बढ़िया बनाई। हाँ, आप कुछ कह रहे थे भाई? यही कह रहे थे सरकार किसान विरोधी है। हाँ। किसान के हक में इसका कोई विचार नहीं है, जैसे हमारे दुष्यंत चौटाला है जी। ये भी सरकार के साथ है, किसानों के हक में ये भी नहीं लिखने, इन्हें नारा दिया था किसानों को हक दिलाने का, उसी की वजह से इसको वोट मिली थी, लेकिन ये अब किसानों के विरुद्ध है, किसान इसको नहीं चाहता, आगे नए नुमंदे तैयार करेंगे और सरकार पलटी मारेंगे यहाँ। अच्छा, जैसे मैंने इनसे पूछा था भी, सरकार सड़कें बनाती तो देखी है, हमने सड़कें तोड़ती कभी नहीं देखी, आपको लगता है अभी खट्टर सरकार के खिलाफ जो FIR दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? तोड़ रही बीजेपी, कितने नहीं टूटती थी ये चीज़, कदे वो ये जिंदगी में सुनी नहीं, FIR दर्ज हो उसके खिलाफ, और ये आज तक काम किसी भी सरकार ने नहीं किया था, जो इसने रास्ते खोदने का किया या लोगों पर अत्याचार किया, तो इसमें इसका सहयोग पूरा है अत्याचार करने में, इसी ने करवा पंजाब वाले भाइयों पर भी अत्याचार और हरियाणा वाले पर भी कुछ किया है, तो इसके विपरीत हो चुका है, दो स्टेट तो हो चुकी हैं और सारा हिंदुस्तान इसके खिलाफ चलने लगा, बीजेपी को तो खत्म ही करेंगे, तो हरियाणा सरकार में भी ये कट्टर बीजेपी नहीं रहेगी, इसने किसानों के विरुद्ध काम किया जो भी किया है। तो हरियाणा और पंजाब भाई भाई दो वापस मिल गए हैं, अब इकट्ठे रहेंगे, इनका मशोरा हो गया, भाई भाई हो गए हैं, इनको भी गुमराह किया जा रहा था, यही कर रहे थे राजनेता ही गुमराह, अब इनको पता लग गया मिलने के बाद अकबर हम एक हैं, तो इनने हमारे को भड़का रखा था, अब इनका बीच को निकालने के बाद हमारा साफ छवि हो गई है, दोनों भाई साहब हैं बिल्कुल, ये हमारा हक नहीं चीनेंगे, हम इनका हक नहीं चीनेंगे बिल्कुल, आप इसमें साथ देंगे। बहुत वड्डी गल है, कहिंदे असीं हुण उहनां दा हक नहीं खोहांगे ते उह साडा हक नहीं खोणगे, पर बहुत वड्डी गल है कि जो काम सियासत ने पहलां कीता वंडियां पाउण दा, अज उसी सियासत दे करके वड्डा भरा पंजाब ते छोटा भरा हरियाणा अज इक हो गए ने, अज हरियाणे दे जिहड़े साडे बजुर्ग ने उह अपने वड्डे भरा दे लई धरने ते बैठे ने कि असीं हक लै के ही हटांगे, जदों तक पंजाब अपने मोर्चे इत्थे लाई बैठा है असीं उहदा साथ देवांगे, ते जदों तक इंसाफ नहीं मिलता, काले खेती कानून जिहड़े ओह रद्द नहीं होंदे, असी इत्थों नहीं उठांगे, ते जे लोड़ पई तां दिल्ली दा हुक्का पानी भी बंद किया जाएगा। कैमरा परसन मनोज दे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबर सार, कुंडली बॉर्डर।